नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं चंदा जैन जी जो प्रतापगढ़ राजस्थान की रहने वाली हैं और ये इनकी लाडली पोती है धानवी जैन, है ना। ये आज दादी को लेकर के आई है मिलाने के लिए। चंदा जी मेरे पास 4/8/2021 को आई थी और उनको 5-6 महीने से सेल्यूलाइटिस की परेशानी थी। आप उनका पैर देखिए, अभी केवल निशान मात्र बचा हुआ है। और जब मेरे पास आई थी तो ये काफी गड्ढा था और 5-6 महीने से ये गड्ढा हुआ था। और उस समय इनके पैरों की जो हालत थी उसमें सेल्यूलाइटिस था, वेरिकोज वेन था और ह्यूज स्वेलिंग थी। पैर खूब मोटा सा सूजा हुआ था, पेन था, स्वेलिंग था, रेडनेस था और घाव था जो पक जाता था। और चंदा जी ने मुझे बताया था कि जरा सा भी चोट लगने पर कहीं भी घाव हो जाता था। इनकी उम्र 52 साल है, उस समय थी, आप तो 53 हो गई होगी। और 5-6 महीने से काफी परेशान थे और उनके पुत्र हैं प्रवीण जी जो हमारे मित्र हैं, तो वो स्पेशली मम्मी को लेकर के आए थे राजस्थान से और मेरे लिए खसखस लेकर के आए थे। और वो अभी भी घर में रखा है, हम लोग उसका लड्डू भी बना करके खाते हैं और कभी-कभी हलवा में भी डल जाता है। तो खसखस से इनकी याद बहुत ताजा हो जाती है जब भी घर में बनता है। तो दोस्तों 4/8/2021 को मैंने इनको देखा था और लगभग 1 महीने की दवाई खाया था चंदा जी ने और पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज मुझे मिलने आई हैं, ये धानवी बिटिया को लेकर के आई हैं जो इनकी लाडली पोती है। तो चंदा जी आप कुछ बताओगे इसमें कब से परेशानी हो गई थी और क्या क्या हुआ था और कितने दिन होम्योपैथी दवाई खाना पड़ा? मेरे को हल्की सी चोट लगने पर सूजन आ गई थी पैर में, जी, तो 5 महीने से बहुत इलाज करवाया तो बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। आपकी दवाई 3 दिन में लेने में मेरे को काफी 3 दिन में ही आराम आ तीन दिन में गया काफी सुधार हो जी। गया। हाँ, सूजन तो काफी उतर हाँ, गई थी, सूजन बिल्कुल। उतर फिर 1 महीने दवाई खाई, फिर गया। उसके बाद हाँ, एक साल तक कोई परेशानी कोई नहीं हुआ, परेशानी नहीं, कुछ भी कोई दवाई परेशानी नहीं ली इसकी। जी। देखिए दोस्तों, जहाँ लोग होम्योपैथी को बहुत स्लो असर बोलते हैं, 3 दिन के ही दवाई से उनका सूजन काफी कम हो गया था, घाव कम हो गया था। और 1 महीने दवाई लेने के बाद, तो 1 महीने दवाई लेने के बाद और 1 साल हो गए, न तो वापस सेल्यूलाइटिस हुआ, न पैरों में सूजन आया, न वेरिकोज वेन डेवलप हुआ, न चलने में कोई परेशानी है। और ये जो लाडली पोती है ना धानवी, ये भी बोलेगी, ये बहुत अच्छा बोलती है। बोलो बेटा, क्या बोलोगे? कैसी है दादी दादी अभी? अच्छी है कैसी दादी, है? अच्छी अच्छी है। है। दादी अच्छी है। और होम्योपैथी दवाई आपको कैसा लगता है? हाँ, ये बहुत अच्छा बोलती है ये। आपकी दवाई हम सबको अच्छी जल्दी ठीक कर देती है। हमारे साथ प्रवीण जी हैं, ये भी कुछ बोलेंगे। प्रवीण जी बताइए। मुझे अल्सर का प्रॉब्लम था, बैक पेन का प्रॉब्लम था, जो करीब 8 से 10 साल से था। ट्रीटमेंट बहुत लिया बट उतना ट्रीटमेंट असर नहीं करता था, बस टाइमिंग रहता था क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही लिया था अभी तक। बट जब सर से मिला हूँ पिछले 2 साल से, 1.5-2 साल से, तो जो होम्योपैथिक लिया है तो इतना जल्दी रिजल्ट होम्योपैथिक में आएगा ये पहले मैं भी बिलीव नहीं करता था। बट 7-10 डेज में मुझे जो इम्प्रूवमेंट दिखा मेरे ट्रीटमेंट में, तो अभी मैं बहुत तो अच्छा हूँ। अल्सर था तो क्या होता था, क्या परेशानी आपको होती उससे थी? मुझे खाना बिल्कुल पचता नहीं था, हाँ, और वजन भी काफी कम हो गया वजन था, वेट बताया। लॉस बहुत हो गया था। अभी करीब वजन ये है कुछ कि बढ़ा? हाँ, अभी इम्प्रूवमेंट हो गया। हाँ, अभी तो स्मार्ट दिखने लगे काफी। तो ये प्रवीण जी है भाई, राजस्थान से बहुत सारे लोगों को लेकर के आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, तो इनके बोलने से लोग ठीक हो जाते हैं होम्योपैथी दवाई से, इतना इनका असर है, नहीं प्रभाव सर, का है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करूंगा अभी, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट को यस, होम्योपैथी जो है वो रिकमेंड किया बहुत है, सारे लोग क्योंकि राजस्थान से सबका बहुत माइंडसेट वो रहता है कि होम्योपैथी बहुत उतना स्लो जल्दी। असर करता है, लोगों को आइडिया नहीं है। हम लोग जो 50 मिलीस्मर पोटेंसी का दवाई देते हैं वो बहुत फास्ट असर करता है, लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। आप देखिए 10 साल 12 साल से आपको अल्सर का परेशानी था और वो अल्सर के लिए 10 महीने भी दवाई नहीं खाना पड़ा, जबकि पेट की परेशानी सबसे कठिन परेशानी होती है और उसका इलाज बहुत कठिन होता है। मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि अगर आप थोड़े समय होम्योपैथी दवाई लोगे तो आपको जीवन भर उसके लिए दवाई ही नहीं खाना पड़ा। तो इससे सरल, इससे इजी और क्या हो सकता है, इससे जल्दी और क्या हो सकता है। अगर आपने 5-6 महीने 10 महीने दवाई खा लिया, उसके बाद आपको 10 साल दवाई ही नहीं खाना पड़े उसकी बीमारी के लिए। माता जी को 1 महीने का दवाई दिया, 1 महीने के बाद दोबारा उनको परेशानी नहीं हुई, 1 साल बीत गया, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
पर लोगों को आइडिया नहीं है, लगता है कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है, हमारे लोग उनको समझा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, चाहे आपको जोड़ों की परेशानी हो, सेल्यूलाइटिस हो, वेरिकोज वेन हो, या जैसा प्रवीण जी बता रहे हैं अल्सर हो, कोई भी परेशानी हो, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथिक दवाइयों का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, पेट पर कोई जलन नहीं होती है, एसिडिटी नहीं होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और हम बहुत अनावश्यक परहेज भी नहीं बताते हैं। और सबसे जो अच्छी बात है, हम लोग जो 50 मिलीलीटर पोटेंसी की दवाई देते हैं वो हम डिस्टिल वाटर में देते हैं, तो शुगर के पेशेंट भी आसानी से होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। तो आप भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9993700880। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।